आप दोनों जहनी तौर पे तैयार हैं कि मैं जाऊं भाड़ में, आप दोनों सेट हो जाएं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। परवेज, मैं जवान बेटे की माँ हूँ। तुम्हारा बेटा नदीम मुझे पसंद नहीं करता शाही, ये दुरुस्त बात है और जानता हूँ मैं। उसके बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? एक बात कहूं, अगर बुरा ना लगे तो? तुम मुझे इतने प्यारे हो, तुम्हारी कही हुई कोई बात मुझे बुरी कैसे लग सकती है? कहो। आप बेदी से शादी कर रहे हैं? ऐसी बातें करो बेटा, ये मुमकिन नहीं है। पैर आपको तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगी, ये भी तो मुमकिन नहीं था। हो गया ना, ये भी मुमकिन है। हाँ, लेकिन इस उम्र में मैं भी बहुत उम्र पड़ी है और आपकी शादी तो मैं खुद करवाऊंगा। नदीम, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मेरी खातिर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई ख्याल रखने वाला पार्टनर होगा जो आपको खुश रखेगा। लेकिन तुम तो बेजी को पसंद नहीं करते बेटा। डल गया हूं मैं, श्योर हो गया हूं एकदम। ना मत कीजिए। मजहब और फितरी तकाजे इंसान को किसी उम्र में भी शादी करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन शाहाना और मेरे बीच खुद साख्ता रिवायात की वो तलवार लटक रही है जिसे टूटे हुए तो ज़माने गुजर गए, लेकिन इसकी धार से कुछ लोग अभी भी खौफज़दा हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नदीम मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा फैसला करेगा। परवेज से शादी का मशवरा देते हुए उसने किसी बात की परवाह नहीं की, जमाने की भी नहीं। कितना मैच्योर हो गया मेरा बच्चा। माँ बेवा हो जाए या तलाक याफ्ता, उसे जीने का हक क्यों छीन लेते हैं? रिवायात के इन बुतों को टूट ही जाना चाहिए था। परवेज मुझे पसंद नहीं, लेकिन मेरी माँ को खुश रखेगा, मेरे लिए काफी है। बार कत्ल केस से बाइज्जत बरी हो जाऊं, फिर देखता हूं ये लिबरल पीर साहब मुझे इस गद्दी से दूर कैसे रखते हैं। हाँ, मगर उनको पता चले तो फिर पता थी। अरे, मेरे बेटे ने हमारे बगैर ही खाना शुरू कर दिया। ये नोशी कहाँ है? मैं तो यहाँ हूँ, कब से आप लोगों का वेट कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। बस आप दोनों के होते हुए मंगेतर के साथ अकेले बैठ के खाना खाना तो अच्छा नहीं लगता ना, तो आप लोग का इंतजार कर रही थी। आ जाओ बैठो ना। अच्छा भाई, आज आप सबके साथ एक बहुत जरूरी बात शेयर करूं, और वो ये है कि परवेज ने मुझे प्रपोज किया है। क्या वाकई? फिर? पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन फिर नदीम ने समझाया तो
मैं मान गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है खाला, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मुझे पेजी बहुत पसंद है। अगर वाकई में आप लोग की शादी हो जाए तो चुप कर नौशी, हर वक्त हर बात पे नहीं बोलते, चल जा मुझे खाला से बात कर, उठो ना। वैसे हमारे सर का ताज चारपाई से लग गया और तुझे अपने बनाओ सिंघार से फुर्सत नहीं। बेहया बीवी। मैं बेहया? तो ये जो नशाबा के भाग जाने का अभी तक गम मना रहा है, ये कौन है? ठरकी। वैसे हमारा मुश्तरका शोहर अगर अपने ना होने वाले ससुर के कत्ल में फांसी लग जाता तो मैं सबर करती और तू शुक्र। नदीम, तुझे मेरे पीछे क्यों आई हो यार? अंदर जाओ। तुम यहाँ क्यों आ गए? ऐसे ही आया हूँ, हवाखोरी पे मेरा कोई हक नहीं है? है। नदीम राजी तो हो गया है लेकिन उसका रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ बाप की शादी के नाकामी उसे अपसेट तो करती है ना। नदीम तुम्हें खुश दिखेगा तो खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, और मैं तो तुम्हारे साथ हर फैसले में हूँ। बस खुदा करे कि ये फैसला हम सब के लिए अच्छा हो। थैंक यू। तुम खफा हो? मैं किसी से खफा नहीं हूँ, और प्लीज कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे। और चाचा मैं अपने बेटे से मेरी शादी तो करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि मैं किस कदर अमीर होना चाहती। शाहाना सुल्तान की दौलत शायद मेरा पेट भर दे लेकिन मेरा मन नहीं भर पाए। क्या जरूरत थी पेजी की इतनी बढ़ चढ़ के वकालत करने की? हमें इस घर में रह के सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं। लेकिन पेजी कितने अच्छे हैं माँ, अगर सच में उनकी और शाही खाना की शादी हो जाए तो क्या बुरा है? अपने ये अंदर की खुशी अपने मंगेतर के सामने जाहिर ना करना, चिढ़ जाएगा तुझसे। क्यों, आपको लगता है कि नदीम इस शादी में रुकावट डाल सकता है? क्या बताऊं तुझे, जहर लगता है नदीम को परवेज। पता नहीं वो तो शाहाना ने किस ख्याल में कह दिया कि वो राजी हो गया। नहीं अम्मा ऐसा नहीं है, नदीम एक बहुत ही समझदार और आगे की सोच रखने वाला मर्द है। आपने देखा नहीं नीचे उसका बिहेवियर कैसा था? देखा था, नीची नजर करके चुपचाप बैठा रहा उसकी एक लंबी खामोशी से। शाहाना को तो समझ नहीं आ रही पर मुझे लग रहा है कि माँ के हाथ से लड़का गया। अब मैं क्या करूँ कि पहले तेरी शादी करूँ या अब शाहाना को डोली में बिठाऊं? तो एक ही दिन कर देना, सास और बहू एक साथ मेहंदी और मांगियों बैठेंगे तो बड़ा मजा आएगा। चुप कर बेटा, भला माँ को किसी और की दुल्हन बनते देख कर कैसे खुश होगा? वो तो मैं नदीम से पूछूंगी, अभी कहीं चला गया है कि जब वापस आएगा तो अपने दिल की बात जरूर बताएगा मुझे। अल्लाह, वेलकम वेलकम होम मिस्टर एंड मिसेस परवेज। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अरे भाई सिर्फ मुबारकबाद दोगी या कोई रस्म वगैरह भी अदा करोगी? एक्चुअली निकाह इतना सादगी से हुआ है तो सॉरी नो रस्म, लेकिन खाना मैंने बहुत अच्छा बनवाया आज। क्या बात है, वाओ। चलो बेटा तुम चेंज कर लो फिर हम खाना खाएंगे। वो मैं एयरपोर्ट पे कर लूंगा। एयरपोर्ट पे? कहाँ जा रहे? लंदन। मेरा दोस्त है अली, उसका बड़ा भाई दिलावर है, फर्म है उसकी वहां पर, जॉब ऑफर हुई है। लेकिन यूं अचानक, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी जो बता रहा हूँ, जल्दी आ जाऊं मैं वापस। अरे भाई अगर साहबजादे ने फैसला कर ही लिया तो फिर दुआओं में रुखसत करो। अच्छा दोस्त, अब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। मैं
अपना सामान लेके ले। क्या हुआ शाहिद? निकाह का गवाह था नदी, जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है, तो फिर परेशानी किस बात की? रिलैक्स, स्माइल करो। कम ऑन शाहिद, चलें नादरा जी। हाँ चलते हैं, चलें। कम ऑन शाहिद। 20 लाख खर्च किए मैंने वकीलों पर आपकी जमानत करवाने, अब तो मेरी मंगेतर को ढूंढने का। तो फिर मेरी दुखती रख दबाने चला है? तेरी मंगेतर नहीं मिलती तो तू गैरत से मर क्यों नहीं जाता? मर जाऊंगा बस एक बार वो मेरी हो जाए। वो मेरा शहर वाला प्लॉट है ना, आप ले लें, जुबान है मेरी। तेरी जुबान मेरी जुबान से मुतबर है क्या? तो फिर लगाम दे अपनी चलती हुई जुबान को, मैंने रोकी तो दर्द से चीखें निकल जाएंगी तेरी। अरे कहाँ है मेरी बुलबुल, बेताब है तेरा चुलबुल, बस एक बार मेरे पास आ जा, बड़े प्यार से तुझे तेरे पर बांध के रखूंगा। तुम लंदन जा रहे हो? हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ नशी, कब से कब मुझे तो बता दीजिए। कुछ दिन में आ जाऊंगा ना। मैं बहुत मिस करूंगी तुम्हें। रोना नहीं, जब तक तुम मास्टर्स कंप्लीट करोगे मैं आ जाऊंगा। मोहब्बत, मेरी मोहब्बत अमानत है तुम्हारे पास, बहुत जल्द मिलेगी। पिछले 3 माह में ये छठा इंटरव्यू दे रही है, ये नौकरी कब मिलेगी तुझे? जब आप दिल से दुआ देंगी ना तब। हमारी भी दुआएं ले जाओ बेटा, इंशाल्लाह ऐसी नौकरी मिलेगी कि दिन समझ जाएंगे। लो जी आ गए, अपनी जिंदगी को फूंक कर और हमें मुशक्कत की सीख पे टांग कर दुआएं देने के लिए। कुछ भी कर लो, इस घर का चूल्हा हम दोनों माँ बेटी को ही जलाना है। फाखर भाई मैंने अपील दायर कर रखी है, 2-3 दोस्त हैं। कोई दोस्त नहीं है। अरे मेरे कान पक गए सुन सुन के कि वकालत का लाइसेंस बहाल हो जाएगा, पर कहाँ जी। अरे अच्छा अच्छा बोले अम्मी, अगर किसी दिन चाचा मैं के दिन वाकई सवर गए तो आप क्या करेंगी? अब देर नहीं हो रही तुझे? हाँ देर हो रही थी ना। हो नहीं रही, हो गई। अच्छा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। ये देखा, ये लड़की तो कभी मेरी थी नहीं, पहले मुझे हरे वकील के पल्ले बांध दिया और अब इसी की पार्टी का झंडा लेकर खड़ी हो गई है। मैं जिस भोली भाली फाखरा बेगम से मिला था, आप ही है ना? जी नहीं, बदल गई हूँ मैं। अरे कराची से लाके इस्लामाबाद में पटक दिया, उस पे बातें सुन लो इनकी। शुक्र है अल्लाह का कराची में माजी याद दिलाने की जरूरत है मुझे? आपसे हसीन मुलाकात याद आ जाती है। बहुत खूब, आपके हुक्म के ऐन मुताबिक मैंने 1.5 साल लंदन में नौकरी की, उसके बाद 6 महीने हो गए मुझे यहाँ नौकरी करते करते। मॉम अब तो बिजनेस बनता है यार। अच्छा चलो मेरी जान, बस दिल लगा के काम करो। हाँ ये बताओ नौशी से बात होती रहती है क्या? बात दिमाग के कीड़े मार देती है मॉम। पता नहीं कह रही थी कि इस्लामाबाद में कोई उसकी फोटोशूट है वगैरह। हाँ 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 उसे आना तो है इस्लामाबाद, बल्कि नादरा भी होगी उसके साथ, मिलेंगे तुमसे दोनों। हमें बस बहुत हो गया उसका शौक पूरा, तो ये बंद करवाएं शो बिजनेस का। भाई ये तो तुम्हारे हाथ में है, शादी कर लोगे तो ये काम भी बंद हो जाएगा, यही तय हुआ था ना तुम दोनों के दरमियान। अच्छा सुनो कभी पेजी को भी फोन कर लिया करो, बहुत पूछते हैं वो तुम्हारा। अच्छा मॉम जरा मेरे एक मीटिंग के लिए मुझे निकलना है, तो बाद में बात करता हूँ।
फिर टाल दिया। शाना जी शॉट रेडी है। अच्छा ठीक है, मैं बस दो मिनट में टचअप करती हूं। ओके ओके ओके। देखो आज बहुत दिनों बाद मैं खुश हूँ और पुरसुकून भी। अपने बाप से कहो कि ये गद्दी मेरे हवाले करके मुरीदों के बीच जो मेरी साख उन्होंने गिराई थी अब उसे बहाल करें जल्द से जल्द। आप तो यूं ही उनसे दिन ब दिन बदगुमान होते जा रहे हैं। बस नसीहतें सुनने का मैं आदी नहीं हूँ और उस औरत का मशवरा तो मुझे जहर में बुझे हुए तीर की तरह लगता है जो 16 जमातें पास हो। इसलिए जो कह रहा हूँ बस उतना ही करो, इसमें भलाई है तुम दोनों को। ये आस्ताना खानदानी विरासत या सियासी कुर्सी तो है नहीं, ना ही कोई सरकारी ओहदा है। बाबा इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक साल के अंदर अंदर मुझे गद्दी और इसका वारिस चाहिए, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा। दाशी ये तू कहाँ ले आई है मुझे, इतने बड़े होटल में खाना खिलाएगी? अरे नौकरी तो है नहीं तेरे पास। उफ अम्मा, जरूरी है नौकरी हो तो ही खाना खिलाया जाए। बैठो, वैसे भी तो आ सकते हैं ना। हाँ आ सकते हैं। ये बता पैसे हैं तेरे पास? चाचा मियाँ, जो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी वो मुझे देते हैं वो इसी दिन के लिए तो बचा के रखी है। हे ए, How are you? I'm fine. Sorry, मैं late हो गया। मैं it's okay. तुमने मुझे मुझे तो तुमसे बातें की, बहुत सारी बातें और देते पाते। Okay. Good man, you're a beauty. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ताशी इधर देख। क्या है माँ? ये तो चाचा मियाँ का बेटा नदीम नहीं? हाँ मगर ये लड़की कौन है इसके साथ? मुझे क्या पता, पिक्चर्स में तो बस ऐसे ही दिखता था लेकिन काफी हैंडसम है देखने में। Too good. Are we done, Jimmy? Yes, we are done, Ashwabha ji. Great. Very well done. देखिए। वैसे अब ड्रामा और फिल्म साइन कर ही लें। कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास। मुझे कोई जल्दी नहीं है। This fashion industry is like a sports car to me, and I love speed. चलें, whenever you're ready. Next shoot के लिए please जरा चेंज कर लीजिए Ashwabha ji. नहीं 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 यार, मुझे नहीं लगता है कि कोई सही बात है। हम लोग को अलग होना है, बिल्कुल अलग हो और अपनी अपनी नई जिंदगियां दोबारा से स्टार्ट करो। लेकिन इस तरह बदला झगड़ा ये तुम जैसे पढ़े लिखों को सूट नहीं करता। शहजाद का चैप्टर अब तुम क्लोज समझो, और इस दौरान मैंने तुम्हें भी तो कहा शादी क्यों लो मुझसे प्लीज। क्या क्या हो गया तुमको जुबिन? बट नो आई एम एंगेज्ड। क्या हो गया, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों मैं शादी तोड़ रही हूँ अपनी? तो तुम ये अपनी सो कॉल्ड एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते मेरे लिए? I really love you, यार। Stop it. तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, कुलीग हो, हमदर्दी करता हूँ, मोहब्बत नहीं करता मैं। क्यों? क्या कमी है मुझमें? मैं पागल हूँ तुम्हारे पीछे? पागल हो तो मैं नहीं हूँ। मैं मार दूँगा अगर तुम मुझे नहीं मिले तो। मैम प्लीज आप यहाँ शट अप, कौन हो तुम? पीछे हटो। तुम इधर दो, चुप इधर। अरे एक मिनट मुझे दिखाओ, एक ये क्या कर रही हो तुम? चुप इधर एक। ओह माय गॉड यू हर्ट हर। अरे यार ये पागल है, इसको निकालो यहाँ से। मैं देख लूंगी तुम्हें। तुमने मुझे रिजेक्ट कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? को तुम बहुत ज्यादा चोट लग गई, बहुत जख्मी हो गया आप नदीम साहब। आप Do we know each other? नहीं नहीं, वो जो आपके साथ थी उन्होंने आपका नाम लिया तो मुझे पता चला कि आप नदीम हैं।
थैंक यू. नो प्रॉब्लम. तुझे उसके सामने जाने की जरूरत क्या थी? अगर वो पहचान लेता तो? वो हमें नहीं जानता, हम उसके लिए अजनबी हैं. ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, कितनी हसीन लग रही है मेरी जान तू. हाँ, थैंक यू बाबर, माय स्वीट बॉबी. आप मेहनत करते हैं तभी तो ये लुक्स बन पाती हैं. ये सब तो बढ़िया हो गया, लेकिन इसी तरह देसी स्टाइल में काम करोगी तो आगे कैसे निकलोगी मेरी जान? रियली यू थिंक दिस इज देसी? मैं किस शूट की बात नहीं कर रहा मेरी जान, मैं तुम्हारा नेटवर्क बहुत बड़ा करना चाहता हूँ. तुम्हारी पीआर, बड़े लोगों से दोस्ती, पार्टीज, जितना काम कर रही हूँ ना बहुत है. आप मेरी मम्मी और मेरे मंगेतर को नहीं जानते. ये सब किताबी बातें हैं मेरी जान, हमारी जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं. अच्छा सुनो, दो दिन का फैशन गाला है, बीच पर हट लिया है, तमाम मॉडल को स्प्रे देंगे, पैसे कमाएंगे, खूब मजा आएगा, वही शूट होगी मेरी जान. तू चलेगी? अम्मी से पूछ के बताऊंगी, इजाजत मिली तो. अम्मी? ओह माय गॉड. अच्छा चलो बता देना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी. हेलो माय ब्यूटीफुल वाइफ. अरे बीजी, पता ही नहीं चला दबे पांव अंदर आ गए. भाई दबे पांव इसलिए आया ताकि सरप्राइजिंग एंट्री बने. आपके ड्रामे का हीरो तीखा और असली हीरो फीका हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी प्यारी सी हीरोइन कुछ डाउन लग रही है, कोई खास बात? मिस कर रही हूं नदीम को बहुत. एक आध फोन करके समझता है कि मेरी मोहब्बत का हक अदा कर दिया उसने, आता ही नहीं मेरे पास. मैंने तुमसे कहा था ना शाही, कि जिंदगी में बच्चे हमसे आगे और माँ बाप पीछे रह जाते हैं. जो हमने अपने पेरेंट्स के साथ किया वही सलूक हमारे साथ तो होगा. मेरी एक ही औलाद है, वो भी अगर मुझसे रूठा रहेगा तो मैं क्या करूंगी? अरे क्या, ना हम उसे रूठने देंगे और ना ही आपको रोने देंगे. क्या हो गया आपको? अरे इस्लामाबाद कौन सा कोकाफ की पहाड़ियों पर है जो वो आ नहीं सकता? टिकट देख के वीकेंड पे हाजिर करो, सिंपल. हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी. नौशाबा, नौशी, नौशी. जी अम्मा. क्या है, सो रही हूँ. सो रही? खाना खाए बगैर सोएगी तो सर चकराएगा, वैसे भी आगे धूम चुकी है तू. क्यों भाई, क्या है मुझे? अच्छी बोली तो हूँ. सच सच बता मुझे, कोई ऐसी वैसी चीज तो इस्तेमाल नहीं करी जो हर वक्त नींद का खुमार चढ़ा रहता है तुझे? तौबा है अम्मा, इतनी बातें करती हो. शूट पे जाती हूँ, अपनी हड्डियां तोड़वाती हूँ, थक जाती हूँ यार. ये शूटे मुटे छोड़, मैं शाहना से बात करूँ और तुझे रुखसत करूँ. एक साल ठहर जाए, नदीम भी ये चाहता है. और असल में तेरा प्लान है ये कि किसी तरह ये शादी लेट हो जाए और ये फैशन और आयाशी ना छूट जाए तेरी. और जू जू वक्त गुजर रहा है अम्मा, मैंने देखा है कि आपका गुस्सा भी बढ़ रहा है. अकेली रह के बोर तो नहीं होने लग गई? तू नदीम से बात कर, बस मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बस हो गया बहुत. अम्मा मेरी बात तो सुने. कोई बात नहीं सुनूंगी, उठ जा, खाना लेकर आ रही हूँ. एक मिनट बात तो सुन, दुपट्टा मेरा, उठ जा जल्दी. नौशी तू क्या कह रही है, मुझे सिर्फ इतना बता दे. अरे कौन सा इम्तिहान लेना चाहती है तू मेरा? अब तुझे फैशन शोज पे रैंप पे चलते देखना क्या कम है मेरे लिए? कम दुख की बात है जो अब तू कई दिन घर से बाहर रहने की इजाजत मांग रही है. कई दिन नहीं, सिर्फ दो दिन की बात है. दो रातें भी है. तेरे बनूनी शरीफ वाले रिश्तेदारों की नजर पड़ गई ना और पहचान लिया तुझे तो काट के रख देंगे मुझे और साथ में तुझे भी. कोई मुझे हाथ लगा के दिखाए पछताएगा सारी उम्र. ऊंची हवाओं में उड़ना छोड़ दे लड़की, इस मुल्क में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है. कह दिया तू नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी. ये ज्यादती है अम्मा. आई प्रोटेस्ट एंड वॉक आउट. यार
सारी लड़की तो हाथ से निकली जा रही है, क्या करूं मैं? हाला आपके राज में मुझ पर इतना जुल्म हो, आप रोकती क्यों नहीं? अरे क्या हुआ भाई, बताओ तो सही। 2 दिन का फैशन गाला है, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अम्मा के मुझे जाने ही नहीं दे रही, आपकी प्यारी बहू को डांटा है उन्होंने। एक आइडिया है मेरे पास, ऐसा करो कि तुम अपनी अम्मा को अपने साथ ले जाओ। हाँ ये बात तो ठीक है, अगर नादरा साथ जाएगी तो मुझे भी कोई इतराज नहीं होगा और नदीम को भी। ये अच्छा आइडिया, दिस इज एक्चुअली अ कूल आइडिया। पेजी अब आप अम्मा से बात करेंगे बस। ना ना इधर नहीं उधर, मैंने सिर्फ आइडिया फ्लोट किया, एग्जीक्यूशन इनके पास है। खाला प्लीज। अच्छा ना मैं करती हूँ ना बात, डोंट वरी, प्रॉमिस। ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। जी जी वो तो निकल गया, मैं फंस गया, बस आप किसी तरह लाइसेंस बहाल करवाइए सर, भूखा मर गया मैं तो। थैंक यू थैंक यू। नाश्ता किया चाचा मियां? अभी भूख नहीं है। तुम क्या इंटरव्यू पे जा रही हो? जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक छोटा सा नया इदारा है, वैकेंसी तो उधर 2 है लेकिन उम्मीदवार 200 है। आपको पता है कल मेरी बारी ही नहीं आई। आज आ जाएगी और तुम्हें यहीं पे जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। चलो लेट्स सी। अब आपकी मम्मी से बात हुई? नहीं वो फोन नहीं उठाती मेरा, नाकाम आदमी से बात नहीं करती वो। चाचा मियां आप अपना दिल छोटा क्यों करते हैं? हर वीकेंड पे तुम कराची आओगे इस्लामाबाद से और 1 महीने के 4 टिकट मेरी तरफ से होंगे, तुम्हारी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा मुमकिन है? तो और क्या भाई, सैटरडे संडे तुम्हारा ऑफ होता है, संडे नाइट में वापस चले जाया करना, वरना तो फिर मैं ही आ जाया करूंगी। अब बिला वजह की फटीग में पड़ रही हैं, लेकिन चले आप कहती हैं तो कुछ दिन इसी तरीके की अरेंजमेंट कर लेते हैं। अच्छा सुनो, कोई तुम्हारे बहुत ही करीबी अजीज है जो तुमसे बात करना चाहते हैं ये लोग। अरे किससे बात करानी है, मेरी बात तो सुने। सुनो। ओहो तो ये तो मुझे लगा मामा ने परवेज साहब को पकड़ा दिया। मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे और कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? असल में कल रात में ना क्लास 2 के हाथ पे लग गया था। क्या तुम्हें चोट लगी? कहां कैसे कितनी, मुझे बताओ जल्दी से। इतना बात करो मम्मी को पता चल जाएगा तो मैं सारा दिन काम नहीं करने देंगे यार। अवली सा कट है, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ तुम कराची कब आ रहे हो? बहुत जल्द आ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। वाकई मेरी तो ईद हो गई फिर, जल्दी आ जाए यार, बहुत याद कर रही हूँ तुम्हें, तुम्हें सामने बैठा के घंटों बातें करनी है। ओके सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्वीटहार्ट। आई लव यू, बाय बाय। हेलो, अगर आपकी मैनेजमेंट ने इंटरव्यूज करना बंद कर दिए तो हम जाएं यहाँ से, हम सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हैं? एक सेकेंड। जी सर। राइट सर। जाएं, आपको ज्यादा जल्दी है, जाकर इंटरव्यू दें। जल्दी नहीं मेरी बारी आ गई, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ। सर मेरा नाम नताशा है। आप? अच्छा तो आप नताशा है जी, लेकिन आप यहाँ बैठिए। जाहिर है मेरा ऑफिस है तो मुझे ही आना चाहिए, आपको कोई एतराज है? नहीं दरअसल मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कल रात वो जो आपकी वाइफ या फियांसे, आई डोंट नो। नहीं 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 मेरी फियांसे नहीं थी वो, दरअसल वो मेरी एक्स कोलीग थी और मेरी दोस्त की बीवी थी, उन दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था, मैं सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच बचाव में उन्होंने अपने शौहर का सारा गुस्सा मेरे हाथ पे दे मारा। I see. नेकी करते हुए आप दरिया में जा गिरे। Yeah. तो आप यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए? जाहिर है अपना स्कार्फ वापस लेने तो आई नहीं। इंटरेस्टिंग, क्या करती हैं आप? नौकरी की तलाश, फर्स्ट क्लास MBA हूँ मार्केटिंग में और अपनी पहली जॉब ढूंढ रही हूँ। देखिए हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, कोशिश होती है कि मुल्क की बरामदात बढ़ाएं ना कि दरामदात।
कोशिश नहीं करके दिखाना है सर। कल से ज्वाइन करेंगे आप? आज से, ना जाने कल हो ना हो। गुड, थैंक यू सर। वेलकम ऑन बोर्ड। पहली जॉब बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी दुआ लग गई। बड़ी मजेदार सैलरी और पर्क्स बेशुमार। ये हुई ना बात, लंबी ट्रीट होगी अब। ऐसी वैसी, इतना तगड़ा डिनर कराऊंगी ना आपको और अम्मा को शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट में। तुमने फाखरा बेगम की खुशखबरी नहीं सुनाई? अच्छा सुने, अभी आपको ऑफिस से बाहर आकर कॉल कर रही हूँ कि मुझे देर हो जाएगी, तो अम्मा को बता दीजिएगा, वो मुझसे बहस करेंगी जिसके मैं मूड में नहीं हूँ। टेक केयर, सी यू। हाय। बेचारे चाचा मियाँ को क्या पता मेरी कहाँ जॉब लगी। पीर दादा वासिर जलालुद्दीन अपने भाई की कत्ल के सिलसिले में 2 साल की तवील मुद्दत मुकदमात में ऐसे उलझे थे, मगर अल्लाह पाक ने सुरखुरू कर दिया। ये अब सज्जादा नशीन हैं। मुबारक हो, मुबारक हो छोटी साहब। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक सर। पीर साहब के इन पर कटे मुरीदों पर नजर रखना, किसी एक ने भी हाथ नहीं चुमा मेरा तो खत्म हो। सारा काम आज ही समझना है, या आप मैनेजमेंट को इंप्रेस करना चाहती हैं? सर मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ, किसी को इंप्रेस करने नहीं। मुझे आपका काम करने का शौक बहुत अच्छा लगा। मेरा फैसला दुरुस्त निकला आपको हायर करने का। थैंक यू सर। किबरा सर, वो मैं सैटरडे को भी काम करना चाह रही थी, ओनली इफ यू अलाउ मी। या व्हाई नॉट, प्लीज डू। बस ये होगा कि वीकेंड्स में मैं कराची में होऊंगा और आई विल बी बैक मंडे मॉर्निंग फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप हर हफ्ते कराची जाते हैं? चाहता तो नहीं था, लेकिन हाईकमान का ऑर्डर है तो जाना तो पड़ेगा। हाईकमान? इस कंपनी का हेड ऑफिस कराची में है? नहीं, हाईकमान मतलब मेरी माँ और मेरी मंगेतर, वो दोनों असल में कराची में रहते हैं तो इसलिए तो जाना पड़ेगा। बट या आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे हमेशा कॉल कर सकती हैं। Have a safe journey, sir. Thank you. अगर परेशान होने से नताशा जल्दी आ सकती है तो ठीक है, दाड़े मार के रो लेते हैं। उसका मोबाइल बंद है, कब से फोन कर रही हूँ मैं उसे, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी उसकी? 3 बजे। अब परेशान हो ये फाफर, क्यों आ जाएगी? बच्ची नहीं है वो? बच्ची नहीं है तो क्या नानी है वो? यहाँ पर मेरा दिल घटे जा रहा है और आप कह रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल है? लो आ गई। अरे मेरी बच्ची, कहाँ रह गई थी तू? कब से तुझे फोन कर रही हूँ मैं, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरा देर इसलिए हो गई क्योंकि मुझे बहुत जबरदस्त जॉब मिल गई है। क्या तुझे नौकरी मिल गई और मुझे बताया क्यों नहीं तूने? सुने, अब होगा जश्न क्योंकि आपकी बेटी हो गई है बरसरे रोजगार। टेंशन खत्म, पैसा हजम। अब मैं जरा चेंज करके आती हूँ, फिर होगी बाकी बात। आपकी ये बेतुकी हंसी है ना, जहर लग रही है मुझे। चख ले। सुनिए जी बेगम, आइए बैठिए ना। आप वाकई दूसरी शादी का इरादा रखते हैं या सिर्फ धमकी दे रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है, मैं तुम्हें शक्ल से धमकी देने वाला लगता हूँ। इतने सालों की शादी के बाद तुम मुझे इतना सा भी नहीं समझ सकी, क्या हो गया? औलाद की कमी तो मुझे भी महसूस होती है, लेकिन जो मेरे रब का हुक्म। इस वक्त मेरा हुक्म सुनो, तुम्हारे उस साबका मंगेतर के कत्ल से मैं बरी हो चुका, अब मुझे औलाद चाहिए। सारा ध्यान मेरा मेरे बेटे की तरफ है।
आप मेरे साथ मेरे कहने पे एक दफा हॉस्पिटल क्यों नहीं चलते? बंजर जमीन तुम हो, मैं अपना इलाज क्यों करवाऊं? तुम जाना और एक बात याद रखना, एक साल के अंदर अंदर अगर मुझे बेटा नहीं मिला तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे अब इस गद्दी का वारिस चाहिए। तुम्हारे बाप की तरह हौसला नहीं है मेरा कि सब कुछ दामाद के हवाले करके खुद चैन की बांसुरी बजाऊं। मेरा बेटा ना हुआ तो ये सब कुछ फूंक दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। वो लड़की उसके दोस्त की बीवी थी और अपने शौहर से झगड़ कर आई हुई। नदीम तो उनकी सुलह करवा रहा था। तुझे नहीं पता ताशी कितनी बड़ी खबर लेकर आई है तू मेरे लिए? और बता, अरे क्या कहा उसने तुझे, बोल ना। मैंने जो रात को उसे पट्टी बांधी थी, बार बार उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, फिर मेरी तारीफों के पुल बांधना शुरू हो गया। पहली मुलाकात में अच्छी खासी पसंद आ गई उसे। ये बात किस्मत का फेर एक बार फिर शाहना सुल्तान को मेरे दर पर ले आया, अब मजा आएगा। वो मुझे बतौर अपनी कंपनी की मुलाजमा पसंद कर रहा था। आप किन चक्रों में पड़ गई हैं? पहली मुलाकात में अच्छा तासुर बन गया तेरा ताशी, बस इसी तरह से उसे अपने हाथों में अटका के रख, वारे न्यारे हो जाएंगे। अम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? वो कोई ऊन का गोला है जो उसे हाथों में डाल लो? बेवकूफ आदमी और जज्बाती औरत का बेटा है नदीम, अगर तूने उसे बातों में लगाकर अपना बना लिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी शाहना सुल्तान की। अरे उसके साथ दुश्मनी का लुत्फ आ जाएगा। नदीम की मंगनी हो चुकी है और इस वक्त वो अपनी मंगेतर से मिलने कराची की फ्लाइट पर है। है कोई प्यारा उसकी जिंदगी में? दफा, बेकार सा लड़का है, छोड़ पड़े उसे। उठ चाय बना मेरे लिए। जाओ शाबाश मेरा बच्चा, जाओ। साबरा, साबरा, एक तो पता नहीं कहाँ मर गए सारे नौकर। खाला ने कि सुन लोग रखे हुए गए।